तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने किया ये एक स्मार्टफोन है और ये है क्राउटर है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो इसमें डला हुआ है जियो का सिम, ये है जियो 5G राउटर। इसके पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी मैं इसमें और कुछ डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको। ये है रियलमी स्मार्टफोन, इसमें भी जियो का एक सिम डाला गया है। इन दोनों में जियो की स्पीड है, सिम है। तो पहले मैं इसको टेस्ट करूँगा कि इसमें कितना स्पीड मिल रहा है मेरे को, और बाद में मैं इसमें चेक करेंगे कि इसमें और वाईफाई के थ्रू कितना स्पीड आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि दोनों में से कौन बेस्ट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये हमारा सारा सेटअप है। तो अभी हमने सेट कर लिया सारा कुछ, और सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा अभी ऑन है इस स्मार्टफोन में, यह है रियलमी। यहाँ पर मैंने गो पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये ओकला का हम स्पीड टेस्ट वाला एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये रिलायंस जियो के साथ कनेक्ट है, और अभी मेरा भी अभी मोबाइल डाटा ही ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G करके दिखा रहा है, वाईफाई ऑफ है। चलिए अभी मैं गो पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप कनेक्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को मेरे को देखने को मिल रही है 1 Mbps की स्पीड। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ स्पीड आई नहीं है, और अभी भी 4G ही कनेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समझ सकते हो कि कुछ भी ज़्यादा मतलब कि 1 Mbps से अंडर ही स्पीड आ रही है, 0.80 दिखा रहा है अभी। और अभी स्पीड कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर स्पीड ख़त्म हो चुकी है, डाउनलोड Mbps स्पीड आई है 0.80, और यहाँ पर अपलोडिंग भी वही सेम आई है 0.29 मतलब कि 29 आई है। और अभी हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं जियो फाई के साथ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट ऑफ है, और जैसे मैं वाईफाई को ऑन करूँगा और ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो ग्रीन लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है, और ये ग्रीन लाइट भी जल चुकी है। यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, तो अभी मैं आप लोगों को बैक करके भी दिखा देता हूँ कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा के साइड में वाईफाई का सिग्नल भी आ रहा है, और मैं आप लोगों को ऐसा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो 5G के साथ कनेक्ट है अभी। और चलिए अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ही अभी ये स्पीड में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा या नॉर्मल ही रहेगा। तो अभी आपको मैं ओपन कर रहा हूँ, जियो 5G के साथ अभी कनेक्ट रहेगा, मतलब कि जियो 5 वर्सेस जियो 5 फोन, जियो 5 राउटर वर्सेस मोबाइल डाटा। तो गाइस जियो 5 की बैटरी थोड़ी लूज़ हो गई थी, इसलिए मैंने इसे चार्ज पर लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वाईफाई कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये कनेक्ट है जियो 5 से, वाईफाई अभी ऑन है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जियो 5 के साथ ही कनेक्ट है, और अभी मैं गो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि गो पर क्लिक हो चुका है, और यहाँ पर अभी आपको स्पीड देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियो 5 राउटर का इतना भी स्पीड नहीं फर्क देखने को नहीं मिला। तो अभी मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से, यहाँ पर एक भी फ़र्क आप लोगों को देखने को नहीं मिला। हालांकि हाँ, हो सकता है कि बैटरी चार्ज होने के कारण थोड़ा स्पीड रुक गया हो, बट उतना स्पीड नहीं रुकना चाहिए। ये अभी आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है, बट मैंने मेरे एरिया में मोबाइल डाटा की स्पीड दिखाया वो सेम है, वही है रहता है 1 Mbps के अंडर, 1 Mbps के अंडर। बट यहाँ पर तो कुछ राउटर के साथ मेरे को 8 Mbps की तक स्पीड जानी चाहिए थी, मेरे हिसाब से जाती थी। और अभी पता नहीं राउटर हाल ही में अभी ये काम ही नहीं कर रहा है सही से, और मेरा राउटर तो अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम स्पीड, मतलब कि आप देख सकते हो कि ये जियो 5 राउटर मतलब कि ओनली पैसा वेस्ट करना होता है। अगर आप इसे बाय करते हैं तो फिर आपका पैसा चला गया, इतने से स्पीड के लिए आप ऐसा मत करो। तो आपने देखा कि आप मत बाय कीजिए जियो 5G राउटर, इससे आप लोगों को और फ़ोन और उसमें स्पीड में कोई भी दिक्कत आप लोगों को सेम नहीं देखने को मिलेगा। आप जाइए टावर के पास जाइए, बट इसमें अपलोडिंग स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों को अपलोड स्पीड ज़्यादा मैटर करती है तो आप ले लीजिए। और अगर आप लोगों को यूट्यूब के वीडियोज़ अपलोड करने हैं तो आप अपने छत वगैरह कहीं पर भी चढ़ कर भी अपलोड कर सकते हो। तो यही थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।